What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 5th अगस्त 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक 20 EMA डेली चार्ट में 20 EMA से सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक दिखाया और पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया। तो आज क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 4th अगस्त आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,946 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,879। तो जैसे कि 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का आप चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के जस्ट ऊपर ओपन हुआ और ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके एक यहाँ से करेक्शन दिखाया और 20 EMA का सपोर्ट लेके इसने वन वे अपसाइड मूव कल दिखाया। ज़बरदस्त ट्रेंड था कल। रिलायंस ने काफ़ी इस स्टॉक के साथ निफ्टी इंडेक्स ने ट्रैवल किया है। तो जैसे ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट 10,975 और सेकेंड टारगेट 11,001 ये दोनों भी अचीव हुए और इसके भी बाद ज़बरदस्त एक अपसाइड मूव देखने को मिला। तो इस कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और टेल नॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार में एक चॉपीनेस देखने को मिला था, एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा था मार्केट। नासडैक करीब 38 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो मिला जुला कारोबार वहाँ पर देखने को मिला। एशियाई बाजार फिर से एक बार हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि जापनीज इंडेक्स 142 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। कल एक मिडल ईस्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अभी तक इसके बारे में क्लियर मीडिया के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। तो हो सकता है आज एक RBI की पॉलिसी भी है, कल उसका आउटकम आएगा। तो एक चॉपीनेस मार्केट में देखने को मिले। वेनसडे है, एक्सपायरी के एक दिन पहले शुरुआती एक डेढ़ घंटे में एक चॉपीनेस देखने को मिलता है। तो लेट्स सी क्या होता है आज। इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो 27 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। इसका 100% का लेवल एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर पास्ट डेटा को एनालिसिस करें तो ये एक जोन है जहाँ पर पास्ट में इसने एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया है दो बार, ये देखिए यहाँ पर। तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास हो सकता है निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर कुछ समय बिताए, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले और जैसे ही 11,200 के ऊपर सस्टेन करता है, ये 11,200-250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड जर्नी हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। नीचे ये जो 100 EMA है और 50 EMA लगभग ऑलमोस्ट आसपास आ रहे 10,750-10,600, तो ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर नीचे आता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा निफ्टी इंडेक्स के लिए और ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 11,200-250। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन बन सकता है, जैसे पास्ट में हमने यहाँ पर दो बार देखा था, निफ्टी ने काफ़ी समय इस जोन में बिताया था। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना टाइम निफ्टी इंडेक्स स्पेंड करता है। ब्रेकआउट के लिए 11,200 काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा। इसके ऊपर हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पर क्लोज देना और उसके बाद कंफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होगा। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर इसने एक डाउनफॉल, चार दिन का ये जो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा था उसके बाद अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया है, यानी प्रीवियस बार का जो हाई लो और क्लोज है इसके ऊपर ये करंट कैंडल का हाई लो और क्लोज बना है। तो इसे पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है एज पर बार चार्ट। तो लेट्स सी यहाँ से अगर इसे ऊपर की तरफ मूव होना है तो इसे
कल के हाई के ऊपर हाफ एन आवर या आर्ली चार्ट में सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो यहाँ से हमें अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से ये जो अपसाइड एक मूव आया था, ये स्विंग लो से ये अभी टॉप जो इसने बनाया, तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें तो 61.8% के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, जहाँ पर ये 20 ए में भी आसपास इसके आ रहा था। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हो रहा है। तो अगर यहाँ से स्विंग लो इसको पकड़ लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर ये फिबोनाची इस तरह से एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका 100% का लेवल अचीव हुआ था, तो अगर अभी ये जो नेक्स्ट स्विंग लो, ये स्विंग हाई, और अगर ये स्विंग लो बनता है तो हम यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये प्रीवियस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है हाफ एन आवर आर्ली चार्ट में, तो नेक्स्ट टारगेट्स हमारे 38.2% 11,179 और उसके बाद 50% 11,271 का हमें लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल काफ़ी 200 पॉइंट की ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिली थी, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी एक कंसोलिडेशन वे में हमें देखने को मिले। तो उसके बाद यहाँ पर ये कल का हाई अगर ब्रेक करता है, कंफर्टेबली सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो हमें निफ्टी इंडेक्स इन लेवल्स के पास आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक हमने देखा था यहाँ पर एक जोन बन रहा था अभी 4-5 दिनों पहले, एक 3-4 दिन एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, ये एक ये दो ये तीन चार पाँच दिन कंटिन्यूस एक साइडवेज पैटर्न में था। तो इसका ये जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड ये अभी जो सपोर्ट का काम कर रहा था पास्ट में, अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, यानी 11,124 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,147, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,168, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, ये 50 ईएमए है, फिर 20 ईएमए, फिर 100 ईएमए, उसमें ही पिवट पॉइंट का भी लेवल है। तो इन सारे इस सपोर्ट लेवल्स को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अदरवाइज कहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो ये कहाँ नहीं जा सकता, तो क्लियरली इन सब सपोर्ट को ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,018 के नीचे अगर ये 11,018 के नीचे अगर ये चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 10,984, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कन्फर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।